प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस फिजिक्स प्रयागराज के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे नीट एग्जाम 2020 का एक तरफ से 45 क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें हम फेज फर्स्ट का जो क्वेश्चन था उस 45 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अब देखो फेज सेकंड का सब क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें भी हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आज सॉल्व कराने वाले हैं। नीट एग्जाम 2020 फेज सेकंड डियर, फेज सेकंड का सब क्वेश्चन चल रहा है एक तरफ से, फेज फर्स्ट टोटल सॉल्व करा चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि एक तरफ से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आपके पास रेगुलरली टाइमली मिलता रहे। इसके अलावा ऐप के द्वारा भी कंप्लीट ऑनलाइन स्टडी चल रहा है, ढेर सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं, जिसमें 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन, IIT और PMT के कंप्लीट क्लासेस ऐप के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें कि डीपी सिंह क्लासेस कैपिटल लेटर में आप प्ले स्टोर से जब ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो ट्रायल क्लासेस आपको मिल जाएंगे और रूम पर बैठ करके कंप्लीट एक तरह से फिजिक्स की स्टडी कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट की भी स्टडी आप कर सकते हैं। बेटा हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें कि ये देख लो थर्मोडायनेमिक्स का सिंपल सा ग्राफ का क्वेश्चन आया है। द PV डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस इन ए पिस्टन सिलेंडर असेंबली अंडर गोइंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सोन इन द फिगर। द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। चार प्रकार के बेटा प्रोसेस होते हैं, चारों प्रकार के प्रोसेस में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में बेटा प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में नो एनी हीट एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से सिस्टम की हीट एनर्जी कंजर्व रहता है। तो इसको अगर ग्राफ के रूप में देखा जाए सारे प्रोसेस में, तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। देखो PV ग्राफ है ये बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस ये होता है। देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, आइसोबारिक, ये हो गया आइसोबारिक प्रोसेस, और इधर यह है वॉल्यूम, तो आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है देखो तो आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक, और आइसोथर्मल और एडियाबेटिक ये दोनों एक जैसे होते हैं। आइसोथर्मल एडियाबेटिक दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन एडियाबेटिक कर्व का स्लोप ज़्यादा होता है, आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है। तो ये याद रखना, यह है आइसोबारिक प्रोसेस का कर्व, यह है बेटा आइसोथर्मल, यह है एडियाबेटिक, और यह है आइसोकोरिक। चारों प्रोसेस का ग्राफ हमने बता दिया, इंपॉर्टेंट होता है। तो देख लो ये जो ग्राफ है ये प्रेशर इस पे क्या है, कांस्टेंट है, ये वाला फर्स्ट वाला ग्राफ है, इसलिए ये आंसर होगा आइसोबारिक प्रोसेस। तो एकदम सिंपल ग्राफ होते हैं ये सब, सारे ग्राफ जानने चाहिए। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में थोड़ा सा अंतर होता है, देखने में दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जब स्लोप इसका हम लोग बताते हैं, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, तब स्लोप में अंतर आता है। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, गामा इज CP/CV, दो स्पेसिफिक हीट CP और CV का गामा क्या होता है बेटा, रेशियो होता है। ठीक है, तो खूब मेहनत से पढ़ाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि लगातार एक तरफ से साल के और क्वेश्चन आपके पास टाइमली पहुंचता रहे। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद।